मनोज जी, मनोज जी सामने से सामने, मनोज कोटक जी दो मिनट, दो मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 पे आपने मुझे अपने विचार रखने की अनुमति दी, इसलिए आपका आभार मानता हूँ। बदली हुई विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ते हुए भारत के कदम को आधारभूत करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति का एक रोडमैप बनाया है, और उस रोडमैप को बनाते वक्त छोटे किसान की चिंता, छोटे व्यावसायिक की चिंता और उसके साथ साथ में रेड़ी पटरी वालों की भी चिंता करने का काम इस मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि मोदी जी की सरकार ने जो बरसों से छोटे किसान, गरीब और गांव और छोटे व्यावसायिक जिनका प्राण रहे हैं, ऐसी सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने के लिए ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल को लाया है। 8 लाख के करीब कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां इस देश में है, 1600 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां पूरे देश में है, और जिसमें से 570 जितनी बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र जैसे राज्य में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस क्षेत्र की महत्व को समझा, और न केवल महत्व को समझा लेकिन उपाय योजना करते हुए जब से ये सहकारिता मंत्रालय स्थापित हुआ तो महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, 21,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों को पूरी तरह से राहत देने के लिए बहुत सालों से जो इनकम टैक्स का प्रावधान था जिसके अंदर भी एक बड़ी राहत देने की घोषणा हमारी सरकार ने की, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सहकारी मंत्री जी का आभारी हूँ। और इसके साथ साथ बहुत बरसों से जो निवेशकों ने अपना पैसा गंवाया था, ऐसे सहारा सहकारी मंडली में भी पैसा वापिस देने के लिए सहारा सहकारी रिफंड पोर्टल का भी प्रारंभ इस सरकार ने किया, मैं सरकार का आभारी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ इस बिल का प्रावधान अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे निर्णय है ये सहकारी मंडलियों के ऊपर या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देश में बड़े पैमाने पे छोटे गांवों से लेके मध्यम शहरों तक इन सहकारी मंडलियों के माध्यम से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, दूध उत्पादक के क्षेत्र में, शुगर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में ये मंडलियां कार्यरत थी। लेकिन इन मंडलियों के ऊपर मल्टी स्टेट के लाइसेंस होने के साथ साथ कोई तरीके का प्रावधान अंकुश रखने का नहीं होने के कारण बहुत सारे मंडलियों के अंदर घोटाले की मालिका पाई गई, और इन घोटाले की मालिकाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए इस सहकारी क्षेत्र में आम जनता का विश्वास बना रहे इसलिए ये सहकार अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसके अंदर सरकार अपनी भूमिका तय कर रही है। और सरकार की ये भूमिका इन सहकारी मंडलियों में, क्योंकि अगर हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर जाना है तो बड़े बड़े उद्योगों के साथ में सहकार का भी अपना एक महत्व ही हमारी सरकार ने समझा है, और इस सहकार के महत्व को जताने के लिए और सहकार के अंदर जनमानस के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए इस बिल को लाया गया है। न केवल सुचारू ढंग से इस सहकारी मंडलियों का संचालन हो, अपने आप में पारदर्शक और सेल्फ रिलायंट ये सहकारी मंडलियां हो जाए, इसके लिए बिल का उपयोग होना है। प्रोफेशनल तरीके से नए वातावरण में पनपने के लिए, एक नया उच्चांक लेने के लिए इस सहकारी बिल की और सहकारी मंडलियों को सक्षमीकरण की आवश्यकता थी, जिसके सारे प्रावधान इस बिल के अंदर किए गए। मैं कुछ बिंदुओं के ऊपर अपने विचार रखूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बार इस सहकारी मंडलियों में डिफॉल्ट करने वाले डायरेक्टर अपने अपने तरीके से यहाँ पे डिफॉल्ट करते थे,
लोगों के पैसे का गबन करते थे और दूसरी सहकारी मंडली स्थापित करके या दूसरी सहकारी मंडली में जाके वो चुनाव लड़ते थे। इस बिल के प्रावधान के कारण उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। एक सहकारी मंडली में अगर किसी ने घोटाला किया है तो वो दूसरी सहकारी मंडली में सदस्य या डायरेक्टर पद पे नहीं जा पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रावधान इस बिल के अंदर किया। इसके साथ साथ में इस बिल को सक्षमीकरण देने के लिए हमने देखा था कि पहले डायरेक्टर अपने सगे संबंधियों को लाभ के पदों पे या इन सहकारी मंडलियों में नौकरी के ऊपर सीईओ की पोस्ट पे अलग अलग पोस्ट पे रखता था। इस बिल के आने के बाद में ये भी प्रावधान किया गया है कि वो अपने सगे संबंधी, उसकी बड़ी व्याख्या की गई है, 20-22 तरीके के सगे संबंधी बता दिए गए, न केवल चाचा मामा लेकिन आने वाले दिनों में अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को भी डायरेक्टर यहाँ पे नौकरियां नहीं दे पाएगा, ऐसा प्रावधान इस बिल में किया गया है और उस पर अंकुश लगाने का काम किया गया है। मैनेजमेंट को प्रोफेशनल तरीके से बैंकिंग एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, कोऑपरेटिव के जानकार व्यक्तियों ने SC ST और महिलाओं के अधिकार को भी अबाधित रखने के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है। कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति देने के कारण सदस्यों को जब जब जानकारी चाहिए तो वो जानकारी लेने का काम भी ये कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर के माध्यम से हो सकता है। सेल्फ सफिशिएंट तरीके से अगर सही मायने पे इस बिल का जो कोई बड़ा पॉइंट है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था है कि इसके अंदर कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड का प्रोविजन किया गया है, जिसके कारण जो सिक हो जाती है, जो बीमारू कोऑपरेटिव मंडलियां रहेगी, इनको अच्छे तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए, इनको अच्छे तरीके से पुनर्व्यवसाय में लाने के लिए इस बिल में ये फंड की व्यवस्था की गई है। ये देश में पहली बार हुआ है कि सहकारी क्षेत्र के अंदर निवेशकों का ध्यान रखने के लिए, सहकारी मंडली के सदस्यों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने एक फंड की घोषणा की है, जिसके कारण कोऑपरेटिव बैंक से लगाकर सभी जगह पे छोटे निवेशकों का जो हित बाधित होता है उसके ऊपर सरकार उसकी चिंता कर रही है। और ये सबसे बड़ी बात है इस बिल के अंदर कि सरकार ने उन छोटे निवेशकों की, ये सहकारी मंडली के सदस्यों की चिंता की है, जिसके कारण उनके भी ये सहकारी सीख होने वाली सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी सर। आई जस्ट पुट थ्री ऑफ द सजेशन। मुझे लगता है कि इस बिल के अंदर जिस तरह के प्रावधान का उपयोग किया गया है या जिस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, सहकार क्षेत्र के अंदर जो पूरे देश में एक अलग तरीके का वातावरण बनाने की मोदी जी के सरकार की योजना है, उसका पूरा समर्थन करने का पूरा प्रावधान इस बिल के अलग अलग प्रावधानों में किया गया है। मुझे लगता है कि सदन में सभी ने इस बिल का समर्थन करते हुए भारत के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो सहकार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और सहकारी मंडलियों को समर्थन देने के लिए सरकार की इस योजना के अंदर इस बिल के द्वारा सभी समर्थन करें, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बिल है, आप सदन की सीट पर जाएं, अपने विचारों को व्यक्त करें। देश में सहकारिता के माध्यम से हम आर्थिक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मेरा पुनः आग्रह आपसे, आप सीट पर जाएं, ये तरीका अपनाना छोड़ दें। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं, माननीय नेता, आप इनको समझा दीजिए कि सदन में ये मर्यादित तरीका नहीं है।